तो और भैया जी तुम्हारा स्वागत है कदई तबाही दार गेम प्ले वीडियो में। और भैया जी एक और बात, स्टार्टिंग में तुमने देख लिया क्या होने वाला आज के इस वाले वीडियो में। तो भैया जी तुमने सुनी लिया होगा कि ऑल पे कोई बंदा भद शब्दों का उपयोग कर रहा था और उसने हमें भद शब्दों का उपयोग करके ओल्ड बेसिन में बुलाया है। अगर हम उसे पेल देते हैं तो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा और साथ में बेल आइकन है ना उसे दबाना होगा। और जिसने ये दोनों भले काम कर रखे ना तो भाई मैं सीधा तुम्हारे मुंह पे कहता हूं तुम आदमी हो ही नहीं, तुम भगवान हो भाई मेरे लिए, ठीक है। तो यार फिलहाल मेरा गोल यही है कि भैया कैसे ना कैसे करके उस बंदे को निपटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गन की तलाश करेंगे और देख सकते हो M4 मिल चुकी है और टॉमी मिल चुकी है। तो अपनी टॉमी को लेके मैं नीचे कूदता हूँ क्योंकि सामने बंदा दिखता है, हो सकता है डीजे वाला बाबू हो, तो इसको देखना पड़ेगा भैया निपटा के। और भैया जी नाम तो बड़ा पवित्र है, ये नहीं होगा वो वाला बंदा। चलो सुनते हैं भैया, डीजे तो नहीं बज रहा। अबे हरामी साले, सबसे पहले तो अपना नाम चेंज करा, भगवानों के नाम रख रखे और दे रहे हो साला गाली। और सबसे पहले ये बता कि साले गाली कैसे दी, ऐसा ऐसा करके मैं पूछना चाह रहा था लेकिन नहीं पूछा। ऐसे साले अभी गाली होती है, लेकिन चलो भाई ये तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है, इसे अब गाली नहीं माना जाता। तो उसके बाद मैं अपनी टॉमी को लेकर यहाँ पे आता हूँ और सामने साइड में एक बंदा है। और भैया जी देख रहे हो कदी बंदूक बाज चचा को अभी तक त्रिकबाण मिल रखा है। चलो कोई ना भाई, त्रिकबाण से इनको काम चलाना पड़ा और चलाया भी इन्होंने। अरे योगेश भैया थम जाओ भाई, कहाँ जाना है तुम्हें। तो कोई ना भाई, इनकी जल्दी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इनको निपटा लेते हैं। उसके बाद हेल्थ के नाम पे ये क्या बोलते हैं बोतलू है, इनको पीते हैं और बढ़ाते हैं अपनी हेल्थ। तो उसके बाद ऐसे मस्त तरीके गाड़ी लेके जा रहा था तब यहाँ पे पूछते पाते हैं और पुश टैप हैं तो भैया बंदा ही होगा, तो गाड़ी रोक लेते हैं हम सबसे पहले। भाई ये तो चीटिंग है और गंदी बात भी है साला, नाम रख रखा है ब्लैक और भाई कतई कपड़े पहन रखा है बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद भालू की तरह। तो चलो कोई ना, इन वाले चचा को निपटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ज़िगज़ैग छोटा करके निकल जाता हूँ मैं भाई। और भैया जी प्रदूषण फैलाता फैलाता मैं यहीं तक आ जाता हूँ। उसके बाद इस वाले घर पर मुझे पुछता है और सामने तो मैं बंदा दिखेगा, मुझे नहीं दिखा भी। और भैया जी ये वाला बंदा उसको मस्ती के मार रहा था लेकिन मेरे पता नहीं क्या चुन मची और मैं इसको मार देता हूँ। और वो वाला बंदा भैया कतई नहा धो के मेरे पीछे, नहा धो के तो नहीं पड़ा होगा, मुंह धो के मेरे पीछे पड़ गया क्योंकि आजकल सर्दी है नहाता कोई नहीं है। तो चलो कोई ना, अब हेल्थ बहुत कम है तो हमें कल्टी होना पड़ेगा भैया। तो उसके बाद भैया अपनी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी को लेके यहाँ पे आता हूँ और अब भैया सामने वाले के साइड में बंदा है, अभी मुझे नहीं पता था लेकिन अब लग गया भैया। तो उन्होंने कतई टॉमी का खतरनाक स्प्रे दे के हमें बता दिया है। उसके बाद इन पे मुझे ब्रश करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्मोक पेल देता हूँ और ये जो मैं बेकार का ज्ञान पेल रहा हूँ ना ये सब कुछ बेकार जाएगा, बस देखते रहो तुम। तो उसके बाद भैया एक और स्मोक पेल देता हूँ लेकिन पता नहीं भाई स्मोक में गोंद लग गया था, चल हाथ में चिपका रह गया। तो चलो कोई ना, घुस के पेलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई बिल्कुल तैयार है क्योंकि जैसे मुंडी निकालेगा पेल देगा। और भैया जी यो देख लो, कतई हम बेकार का दिमाग पेलते रह गए, स्मोक स्मोक सब कुछ पेला और ये चचा तो ऑफलाइन बैठे थे। तो चलो कोई ना, इनको निपटा देते हैं। उसके बाद गाड़ी लेके फिर से आता हूँ क्योंकि हमारे जो अंदर खुजली है ना वो नहीं खत्म होने वाली। तो चलो कोई ना भैया, फिलहाल हम इस पे रस कर रहे थे। सबसे पहले अपना हमेशा का रिवाज है भैया, जब भी रस करें तो एक ग्रेंड कुक करें और फेंक दें, लेकिन कई बार कैंसिल भी करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं। पहला बहाना कि ऊपर चढ़ रखा था और इसके हेडशॉट लगे, और दूसरा बहाना कि यार मेरा लैग हो गया, और तीसरा बहाना किसने पहले गोली चला ली, और भी बहाने हैं बहुत सारे, बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद एक और गेम स्टार्ट करते हैं, उसमें तो बहुत गंदे मरे लेकिन इस बार हमें चिकन डिनर चाहिए। तो भैया जी अब नए वाले गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पर रखे मालतू फालतू जगह में, क्योंकि ऐसी जगहों से गेम प्ले बनते हैं। और भाई एक और बात, कल मेरी वीडियो हो सकता है लेट आ जाए, हो सकता है आए ना, क्योंकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है यार, मतलब कल मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है और मुझे इतनी गरीबी पड़ रखी है साला भाई, 200 रुपये भी नहीं रिचार्ज करने को। लेकिन चलो कोई ना, कल तक देखते हैं जुगाड़ हो ही जाएगा जैसे तैसे करके। तो भाई अगर जुगाड़ हो गया तो गेम प्ले डाल देंगे, वरना देखते हैं भैया। और भैया जी तुम कहते हो कि साला मुझे 200 BC दे दे, मेरे को 280 BC दे दे, विनर पास चाहिए। यहाँ पे साला खुद पे पैसा ना है, विनर पास रिचार्ज तक के पैसे ना है।
लेकिन भैया जी चलो फरवरी से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब भी थोड़ा बहुत देने लग जाएगा, पॉकेट मनी समझ सकते हो उसे तुम, ठीक है? तो वो तो बात की बात है। सबसे पहले अब गेम प्ले की बात करें, तो मतलब गेम प्ले की बात कुछ ऐसी है, यहाँ पे सामने साइड में किसी बंदे की किसी ने पेटी बनाई और वो बंदा भगा भगा जा रहा है। तो सोनू भैया के लिए एक सवाल कि भैया तुम्हें इतने दूर से मटर वाली गन से मर के कैसा लगा, तो बता देना यार, अगर तुम बता दोगे तो मैं 10 गोलियां और पड़ेगी। तो चलो कोई ना, उसके बाद इन पे रश करते हैं और यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड है भाई, और देखो कैसे करते हैं क्लच। और चचा गद्दी बात करते हो, बालकनी से झांक रहे हो हमें, तो इनको तो डैमेज ही देते हैं, मार नहीं पाते हैं, लेकिन चलो अब पेलेंगे भैया सबको। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टीपी भी ले रहा था, क्योंकि ये साली लैंडी सी गन पकड़ रखी है और सामने पूरे 4 बंदे। तो चलो कोई ना भैया, मौका मिलता है एक विकेट तो हमने ढा दी, लेकिन 2 बच रही है भैया अभी। और भैया जी क्लच तो हो गया, लेकिन मेरी फटी फटी थी यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी तो मैंने साला बालकनी में 2-2 बंदे देखे थे, लेकिन ये पता नहीं कब फ्लैंक कर गया। तो चलो यार निपटा लेते हैं इसको, और बताओ यार क्लच कैसा लगा। प्लीज़ से प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो कर देना, और शेयर भी कर सकते हो भाई तुम, और कमेंट करना चाहो तो वो भी कर दो। तो भाई उसके बाद यहाँ पे हेल्थ लगाता हूं और भाई निकल जाता हूं बंदों की तलाश में। तो उसके बाद भैया जी मैं बंदे ढूंढता यहाँ पाता हूं, और इस वाले घर पे अभी बंदा है, तो उस पे मैं फटाफट से रश कर देता हूं, और बंदा देखना क्या ही खतरनाक वाला दिमाग लगाएगा। और हम ही चोर साला, मेरी गाड़ी लेकर कल्टी हो गया। तो चलो कोई ना भैया जी, इसके टीममेट अभी आ गया मुझे मारने, क्योंकि अब इसमें भी ना, तो दोनों मिल के रस करेंगे और मिल के पहलेंगे। और मेरे भाई पीके किलर क्यों अपनी जिंदगी से इतना परेशान, लेकिन चलो इसकी जिंदगी खत्म हो गई अभी। तो सुन लो भैया जी, हमारी गाड़ी चुराओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे, और आगे से ऐसा ना करना, वरना भैया फिर से पड़ेगा मरना। तो चलो कोई ना, इन दोनों को निपटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका बम बम मतलब ग्रेनेड, ठीक है, उसको उठाता हूँ और निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में, और यहाँ तक आना पड़ता है। तो फिलहाल मुझे सामने भैया नदी में तैरता हुआ एक टापू दिखता है, और इसमें एक बंदा भी था भी, और इस टापू पर भैया आदिवासी मिलेंगे, और यो देख लो सामने। और भैया जी मैं बताता हूँ, ये सफेद भालू कर क्या रहा था। तो ये इन वाले बंदों को मारने की कोशिश कर रहा था, और एक बंदे को तो मैंने पेल दिया। तो पूरी प्रेम और श्रद्धा से मैंने के 2 बंदों को चिल्ला देता हूँ, और एक तो नॉक था, एक फिनिश था, और ये वाला लौंडा तो किसी और ही दुनिया का था। तो चलो कोई ना, उसके बाद सामने खेड़ में मतलब 2 बंदे उनके खत्म ही है लगभग, और 2 बंदे बच रहे हैं, उनको भी पेलेंगे। और यहाँ से तुम्हें लैंडी पिंडी टीम लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ ना भाई, ये सारे भैया जी अभी तक बॉटों की तरह हरकतें इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको मैं दिखा ही नहीं था, लेकिन अब देखो कैसे पेलेंगे मुझे। तो फिलहाल एक और को नॉक कर देता हूँ मैं। तो भैया जी अभी भी 2 बंदे बच रहे हैं, और इन दोनों को निपटा दिया ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भैया जी, करो इंस्टाग्राम पे अभी अभी जाओ और फॉलो करो। और ये नाम पढ़ रहे हो ना तुम, बी लैक लैको, मैंने बहुत बार देखा किल फीड में, बहुत बंदे पहले इसने, बंदे तो क्या बॉट ही पहले होंगे, लेकिन चलो भैया मार देता हूँ सबको। और भाई अब जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही दो यार, और तुम्हारे भाई के अभी 500 फॉलोअर भी होने वाले हैं, करवा दो भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो, फॉलो नहीं मतलब फॉलोअर्स, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ से मैं मस्त के निकल जाता हूँ। तो फिर अपनी गाड़ी लेके मैं यहाँ पे आता हूँ, और एक लौंडा तुम्हें दिख ही रहा होगा अभी। तो ये वाले चचा का तो परेशान हैरान और शैतान लग रहे थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, और भाई अपनी परंपरा तो जारी रहेगी, ये ग्रेंड करेंगे सबसे पहले। तो फिलहाल मैं ग्रेंड करने वाला था, लेकिन
भैया जी कतई टुनक 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 बच गया और ये ग्रेनेड देखना अभी कहाँ फोड़ूंगा। साला अपने मुंह पे फोड़ दिया, गलती से हो गया भाई सब कुछ, क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रहा था ना। तो सबसे पहले अपने अन्नू भैया से बात करते हैं, उसके बाद सामने साइड में भी बंदे हैं उनको बेलते हैं। तो फिलहाल मैंने अनु भैया से बतिया लिया था, उसके बाद अब बारी इन चचा को निपटाने की। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ साला सीन क्या, भैया फुटस्टेप क्यों नहीं आ रहे। साला हरामी बंदा भाई, पिछले वाले मैच में उस वाले बंदे ने भी ऐसा किया भाई, मैं कतई स्मोक स्मोक ग्रेंड मॉली पता नहीं क्या क्या फेंका था उस टाइम, लेकिन चचा तो कतई ऑफलाइन थे, यहाँ पे वही सीन था। तो चलो कोई ना, उसके बाद गाड़ी लेके मैं यहाँ पर आता हूँ और अब बच रहे हैं चार बंदे, जिसमें से अभी एक और कट जाएगा। तो फिलहाल बच रहे थे मेरे सिवाय दो बंदे और दोनों एक ही टीम के हैं और आ रहे हैं कतई मगरमच्छ बन के। तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए तुम्हें भी ये करना चाहिए, लास्ट जोन पे भाई स्मोक पेल दो। तो इस वाले मगरमच्छ को छोटा सा डैमेज आता है। तो आयुष भैया बहुत नहा लिए, अब तुम्हें थोड़ी सी गोलियों की गर्मी की जरूरत थी जो कि हमने दे दी, उसके बाद इनको टीममेट को भी जरूरत है। तो उनकी सेवा के लिए मैंने एक मौली पेल दी और अब बढ़िया गर्मी गर्मी हो जाएगी। अरे चचा का नाम पढ़ रहे हो, डीसी हेड किंग, अरे काहे का हेड किंग, साला दिमाग तो है ही नहीं भाई। मैंने उसकी सेवा के लिए मस्त सी मौली पेली ताकि साला गर्म गुरम हो जाए, उसके बाद फाइट करेंगे, लेकिन नहीं इनको तो भगना था तो पीले गए। और बताना यार कैसा लगा गेम प्ले, अच्छा लगे लाइक ठोको, ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब ठोको, अगर नहीं अच्छा लगे तो कॉमेंट भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।